आज की रेसिपी के लिए मेरा चैलेंज है कि हर घर में बन सकती है, क्योंकि इस रेसिपी को मैंने कोई तामझाम किया ही नहीं है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, इसे बेक भी नहीं किया है, बिल्कुल केक की तरह बनेगी। अगर आप केक नहीं बना पाते लेकिन बच्चों को खुश करना चाहते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं, तो इस तरीके से बनाइए। सिंपल ब्रेड की ये पुडिंग है, बहुत अमेजिंग, बहुत टेस्टी है। इसमें बहुत वेरिएशन आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना है, लास्ट में आपको एक ट्रिक दूंगी कि ये बहुत ज़्यादा तब अच्छा लगेगा जब आप ये छोटी सी ट्रिक को फॉलो करोगे। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर दूध है ये टोन, लेकिन वैसे आप फुल क्रीम लें तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास चांस वाली बात है आज टोन मिल्क है, जैसे हम मलाई निकाल के अलग कर देते हैं ना, वो वाला दूध है। 2.5 कप दूध है, 2 कप मैंने एक कढ़ाई में रख दिया है, 1/2 कप दूध को अलग रखा है। जो 2 कप दूध है उसमें थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो गया है, तो मैंने इसमें 6 टेबल स्पून भर के चीनी डाल दी है। आप चाहें तो चीनी 1/2 चम्मच कम कर सकते हैं, पर क्योंकि ब्रेड फीकी होती है तो आप इसमें इतना जरूर डालें। अब यहाँ पर मैंने जो दूध लिया है ना, दूध में जो गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च ले रही हूँ ना, उसके बदले अगर आप लेंगे कस्टर्ड पाउडर तो हल्की येलोइश बनेगी। व्हाइट बनानी है तो कॉर्नफ्लोर या अरारोट ले लीजिए। बाकी का जो 1/2 कप दूध है उसमें 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर, जिसे कॉर्न स्टार्च अरारोट कहते हैं, वो डाल दीजिए। ये ठंडा दूध होना चाहिए जिसमें हम ये कॉर्नफ्लोर मिला रहे हैं, क्योंकि इसमें लम्स हो जाएंगे। जो दूध कढ़ाई में है वो 5 मिनट तक हमें उबालना है। कुल मिला के 10 मिनट में ये पुडिंग बनकर तैयार हो जाएगी, पर आप 5 मिनट इसे अच्छे से उबाल लें। अब ये जो मिश्रण है धीरे धीरे आप डालें, दूसरे हाथ से आप चलाते जाएं, जिससे वो नीचे ना लगे। गैस भी इसका स्लो ही होना चाहिए। जैसे ये पकता जा रहा है पुडिंग का दूध, वैसे ही इसका चम्मच मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे गाढ़ा दिख रहा है, और जब पहले मैंने चम्मच दिखाया था वो बिल्कुल पतला दूध था। तो यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए ये अच्छे से पक चुकी है, इसका कच्चापन खत्म हो गया है। अब गैस बंद कर देते हैं। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे आप इसे चलाते भी रहिए जैसे थोड़ा ठंडा हो जाए। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके लिए हमें सिंपल सी ब्रेड चाहिए, आप व्हाइट भी ले सकते हो, किसी साइज में भी ले सकते हो और ब्राउन भी ले सकते हो। मेरे पास व्हाइट ब्रेड है, थोड़ी बड़ी ब्रेड है, पर बड़ी छोटी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें इसमें चौकोर चौकोर पीस ही रखने हैं। जो भी आपके पास ब्रेड हो वो लीजिए। अब मैंने इसके एजेस कट करके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है इस पुडिंग में मैं कम से कम इंग्रेडिएंट यूज करूं, जिससे हर घर में ये ब्रेड पुडिंग बन सके। मेरे पास है थोड़ा सा रोज शरबत, कोई बात नहीं, अगर आपके पास रोज शरबत नहीं है थोड़ी सी चाशनी बना लीजिए, उसमें कोई भी फ्लेवर आप डालेंगे तो आपका शरबत तैयार हो जाएगा, जो भी आपको पसंद है फ्लेवर। अब कोई भी एक डिश ले लीजिए, पुडिंग डिश, जो भी स्टील की कांच की जो भी आपके पास हो, उसमें आप गिलासों में कटोरियों में भी इसे सर्व कर सकते हो। सबसे पहले नीचे आपको थोड़ा सा मिठास रहे, ब्रेड फीकी होती है तो मैंने थोड़ा दूध डाल दिया, थोड़ा शरबत डाल दिया, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा। अब इस पर ब्रेड चिपक भी जाएगी और मीठी भी लगेगी। सब तरफ आप इसे अरेंज कर लीजिए और दूध डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा शरबत डालिए, ज़्यादा नहीं डालिए। उसके बाद फिर से ब्रेड, फिर से दूध, फिर से शरबत, इसी तरीके से 2 लाइन 3 लाइन, ये चॉइस आपकी है जिस हिसाब से आप डालना चाहें। मेरे पास कुल 5 से 6 स्लाइस बड़ी ब्रेड थी, मैंने वो यूज़ कर ली है। ये गाढ़ा दूध तो पूरा ख़त्म हो गया है, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर लास्ट में पूरा गाढ़ा दूध 1/2 कप बना हुआ और इसमें डाल दें। जब पहले मैंने आपको रस्क से पुडिंग बना के दिखाई थी, आपने बहुत सारा प्यार भी दिया, बनाकर भी देखी, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, तो उसमें मैंने क्रीम बिल्कुल यूज़ नहीं की थी, लेकिन उस टाइम बहुत सारे कमेंट्स ये आए थे अगर हम क्रीम यूज़ करना चाहें तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम यूज़ की है। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए, बहुत परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि आप इसमें अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे चॉकलेट अगर आप सॉस है और बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है तो शरबत के बदले चॉकलेट सॉस का भी यूज़ कर सकते हो।
अब इसे हम क्लिंग रैप से ढककर रख देती हूँ। अब यहाँ पर खास ट्रिक है जिसकी वजह से ये बिल्कुल ब्रेड का टेस्ट नहीं देगी और बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट देगी, वो है ये कि इसे ढककर कवर करके आप एक दिन के लिए पूरा रख दीजिए, 24 घंटे या नहीं तो ओवरनाइट तो अच्छे से सेट करने के लिए रख दीजिए। होगा क्या, ये जो दूध है, शरबत है, ब्रेड अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगी तो ब्रेड का टेस्ट कहीं भी नहीं आएगा। पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, कल शाम को मैंने रखी थी, आज शाम हो गई है, मैं इसे निकाल देती हूँ। मैंने तो क्या किया, थोड़ा सा नारियल का बुरादा जिसे डेसिक्रेटेड कोकोनट कहते हैं उसमें मैंने थोड़ा सा शरबत मिक्स किया है जिससे उसकी मिठास भी आ जाए और उसमें कलर भी आ जाए। अब आप देखिए बहुत अच्छे से वो सेट हो चुकी है, ऐसा लग रहा है जम चुकी है बहुत अच्छे से। सबसे पहले पुडिंग के ऊपर नाइफ से मैं कट कर देती हूँ चौकोर चौकोर। अब आती है बारी इसकी डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन भी ना मैंने बहुत सिंपल तरीके से की है, आप चाहें तो इसमें बहुत सारा कुछ कर सकते हो, ओरियो बिस्किट से कर सकते हो, फ्रूट्स के साथ कर सकते हो, स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं आजकल, जो भी आप लगाना चाहें। उसके ऊपर मैं ये गार्निश कर देती हूँ नारियल के बुरादे को। अब ये चौकड़ी तो बन गई इसकी डेकोरेशन के लिए, अब हम इसमें ग्रीन क्या लें, या तो इसी नारियल के बुरादे में थोड़ा ग्रीन कलर भी मिक्स करके ग्रीन कलर डाल दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए थोड़े पिस्ते की गार्निश कर दीजिए, मैंने इसी तरीके से किया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर लग रही है। तो अब आप इसे कट कर सकते हैं, आप चाहें तो चम्मच से कट करके सर्व करें या फिर इस तरीके से पीसेस में कट करें, बहुत बढ़िया पीसेस में हो जाएगी। इसे निकालिए, अगर हम जल्दी करेंगे ना इसे कट करने की, ओवरनाइट या 24 घंटे नहीं रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से सेट नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। आपने देखा ना जब मैंने कट किया कैसी लग रही है, बिल्कुल केक जैसी। तो बच्चों को भी खुश कीजिए इस तरीके से आसान सी पुडिंग को बनाइए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कम इंग्रेडिएंट से अच्छी डिश बना सकूँ, कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताया कीजिए। कौन कहता है ये ब्रेड है, ये बिल्कुल स्पॉन्ज केक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसे आप खाइए, इंजॉय कीजिए, बच्चों को ज़रूर बना के दीजिए और घर में कोई मेहमान आएगा ना जो वो खाएगा तो आपकी तारीफ करता ही चला जाएगा। आप इसको कौन सा फ्लेवर देना चाहेंगे ये मुझे ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी के घर में ये रेसिपी बन सके।